हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये बाइक आई हुई है, पैशन प्लस है, ठीक है, ओल्ड मॉडल में है, ठीक है। इसमें समस्या ये आ रही है कि रेक्टिफायर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसकी कंडीशन देखिए आप, रेक्टिफायर वगैरह, आरआर यूनिट, चार्जर, इसको कई लोग मतलब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। और ये रेगुलेटर भी बोलते हैं, वैसे लिखा हुआ आता है, आरआर यूनिट भी लिखा होता है, रेगुलेटर भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें समस्या ये आ रही है कि ये ओल्ड मॉडल है, तो इसके लिए मतलब ये चार्जर जो है, आरआर यूनिट, इसको कई दुकान पे दिखाया तो इसकी लाइट बिल्कुल स्लो चल रही है। हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम लगा रहे हैं इसको, ठीक है। ये मतलब ये लगा दिया, ठीक है, ये आरआर यूनिट लगा दिया हमने, ठीक है। इसी में अर्थिंग दे रहे, वैसे कोई दिक्कत नहीं, अर्थिंग ना भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें एक वायर जो है इस कॉइल में अर्थिंग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको दिखा दें कि शायद अर्थिंग की वजह से इसमें बल्ब फ्यूज हो रहा है, ठीक है। अभी एक पॉइंट हमने इसमें बल्ब, एक पॉइंट फ्यूज वाला बल्ब हमने डाला है, इसकी ये रोशनी है, ठीक है, ये जो रोशनी है, ठीक है, बिल्कुल मतलब इतनी पावर की नहीं थी जितनी चाहिए हमें, ठीक है, बिल्कुल डिम जल रहा था। अभी दूसरा बल्ब लगाया है, एक पॉइंट फ्यूज है इसमें, एक सही है, तो हम सिर्फ इसको चेक करने के लिए हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। और समस्या ये आ रही कि रात में बहुत दिक्कत होती है, लाइट जल नहीं रही थी, बिल्कुल डिम, और बल्ब भी फ्यूज कर रहा था। कंडेंसर से 47 वोल्ट का है, ये 47 वाट का है, सॉरी, तो इसमें हमने करंट दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ा लाइट बढ़ी हुई है, ठीक है। और मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, ग्राहक परेशान हो रहा था, एक दो दुकान पर दिखाया कि भाई इसमें लाइट बहुत कम जल रही है, ठीक है, और दिक्कत हो रही है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये चेंज किया, ठीक है, नंबर एक, क्योंकि इसको इतना जितना पावर चाहिए। आज के दौर में इतनी बाइक आ चुकी हैं कि एलईडी बल्ब दिया हुआ है आगे हेडलाइट में, सामने वालों कुछ दिखाई नहीं देता। और जितनी पुरानी बाइकें हैं, BS3 वाली और इससे भी टू स्ट्रोक वाली, उसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, तो उसकी वजह से आदमी बहुत परेशान, मतलब ग्राहक बहुत परेशान हो जाते हैं, सॉरी। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी चांस रहते हैं, क्योंकि इतना एरिया वैसा नहीं है, NCR नहीं है यहाँ पे, दिल्ली NCR तो नहीं है कि पूरे मतलब हर जगह लाइट लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का खतरा होता है, जानवर इतने घूमते रहते हैं रात में, बहुत दिक्कत होती है ग्राहकों को, ठीक है, चलने में। हमें खुद दिक्कत होती है, हम जाते हैं लगभग 2-3 किलोमीटर जाते हैं, हमें भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमने समझा इसमें रेगुलेटर लगाया है, ठीक है, और इसमें रेगुलेटर डाला हुआ है, ठीक है, ये बैरोक कंपनी का है, ठीक है, और BS4 वाला डाला है इसमें, ठीक है, ये रेगुलेटर BS4 वाला डाला है, ठीक है। और आप इसकी बैटरी देखिए, एमरॉन की बैटरी है इसमें, और ये जमाने बीत गए हैं, देखिए आप जंग, इसकी कंडीशन देखिए, ये इसके जमाने बीत गए हैं, इसकी बैटरी तब से पड़ी है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, ठीक है। हमने नीचे से चेक किया, ठीक है, नीचे से करंट आ रहा है, किसी ने यहाँ बाईपास सर्जरी की है इसकी, देखो ये, लेकिन ये सब गलत है। जो वायरिंग के तार, वो नहीं काटना चाहिए था, ठीक है, वो वायरिंग के तार नहीं काटना चाहिए। तो उसके लिए हमने लाइट बढ़ाने के लिए मतलब सबसे पहले हमने इसको चेक किया, स्टार्ट किया, ठीक है, बिल्कुल लाइट डिम आ रही थी, ठीक है। फिर ये 47 वोल्ट का ये हमने ये कंडेंसर लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें शायद किसी को पता हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता देते, इसमें एक कंडेंसर लगा होता है जो कि एकदम अच्छा क्वालिटी का होता है, रेजिस्टेंट मतलब सीमेंटेड यूज़ होता है, जो आप देखिए आप यहाँ पर लगा हुआ है, ये सिर्फ ये लाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये रेड कलर का ये वायर दिख रहा है, इसी के अंदर कॉइल है, ठीक है। कभी बारातों में देखा हो, गांव देहात में ऐसा सिस्टम ज़्यादा आता है, ये क्लियर दिख रहा है अब तो। गांव देहात में एक रेक्टिफायर टाइप का कुछ होता है, ठीक है, उसी से LED ये ट्यूबलाइट होती है ना, बड़ी सी राड, वो जलती है, उसी जैसा सेम है। इसमें सीमेंटेड के कुछ पार्ट्स हैं, अगर इसको फोड़ेंगे तो इसमें कॉइल निकलेगी, ठीक है। तो ये अर्थिंग मार रहा था, यहाँ चूहों ने काट दिया है, ठीक है, और ये वायर अर्थिंग मार रहे थे, ठीक है, ये अर्थिंग का है, ठीक है। और इसमें अभी हमने एक प्लस का ताल निकाल दिया है, क्योंकि वो भैया बोले हम इसमें वायरिंग नहीं कराना चाहते, कि थोड़ा बहुत काम कर दो मेरी गाड़ी, मतलब थोड़ा लाइट जलने लगे, और उससे हमें इंडिकेटर वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट जो रेड कलर का वायर है, इसी से टच था, ठीक है, जो कि इसमें अर्थिंग कर रहा था, उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही, ठीक है। फिर उसको हटा के देखा, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसके लिए हमने बैटरी चेक की, ठीक है। जब हम इसको बड़ा चार्जर लगाएंगे BS4 वाला,
तो उसके लिए हमें चार्जर रेगुलेटर बदलना पड़ेगा, यूनिट बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये BS4 वाला लगाया, ठीक है, और ये निकाल दिया क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर निकालेगी, ठीक है, उससे बेहतर लाइट जलेगी, ठीक है, और चार्जर ना ख़राब हो, उसके लिए हमने ये लगाया है, ठीक है, और इसकी हालत बेकार हो चुकी है, ठीक है। ये कटा था यहाँ पे, ये देखिए आप, ये कटा था तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और अभी हम आपको दिखाते हैं लाइट इसमें कैसी है, ठीक है, और मतलब अभी लाइट जो कि वायरिंग में चेक करने का जो आसान तरीका है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लाइट कैसे चेक करें, ठीक है। सबसे पहले 12 वोल्ट की बैटरी लेना है आपको, ठीक है, 2 मिनट में वायरिंग चेक हो जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 सेकंड सिर्फ इसको पकड़ने की देरी है, लगाने की देरी है बस, ठीक है। ये देखिए, ये माइनस, ये नेगेटिव है, ये लगाया इसी में, ठीक है, ये नेगेटिव लग गया और ये लग गया पॉजिटिव, ठीक है। और आप देखिए लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, दिखाइए, देखिए लाइट जल रही एकदम ज़बरदस्त लाइट जल रही है। तो इससे क्लियर ये होता है कि यहाँ से हमारी लाइट क्लियर है, कोई वायरिंग में फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको मटाते हैं, ठीक है, 12 वोल्ट की लगा दें, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने वायरिंग में उल्टे तार लगा दिए, अगर इसमें लगा दी तो कॉइलिंग थोड़ा फूक सकती है, जो कॉइल है ना वो फूक भी सकती है, इसलिए आप ये कपलर निकाल दें और इसको चेक करें। ये जो येलो कलर का है इसमें लाइटिंग कॉइल लाती है, लाइटिंग का जो करंट है वो लाइट के लिए सप्लाई होती है पूरे में, ठीक है। ये वाइट कलर का है, ये वायरिंग का है, मतलब इसका है, बैटरी चार्ज होती है इससे, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि मतलब लाइट कैसी चल रही है, ठीक है, गाड़ी में लाइट कैसी चल रही है। इसको लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। और हम आपको दिखाते हैं कि अब मतलब फ़र्क पड़ा है या वैसे ही है सेम, अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसके लिए हमें बल्ब भी दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और परेशान हो रहे थे भैया ये अभी बल्ब, अभी हम दिखा रहे हैं आपको बल्ब, फुल एक्सीलेटर ले रहे हैं, ठीक है, बल्ब में कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अभी हम इसका निकला हुआ बल्ब दिखाते हैं आपको, जस्ट मिनट, एक निकला हुआ बल्ब अभी यहीं पड़ा होगा, ठीक है, एक दिखा रहे हैं आपको, इसी में लगा हुआ है, सॉरी देखा नहीं था, इसी में बल्ब लगा हुआ है, अभी हम दिखाते हैं इसके दोनों पॉइंट क्या कहता है। देखिए आप जूम करिए, देखिए इसकी कंडीशन, दोनों पॉइंट फ्यूज़ हैं, ठीक है, देखिए दोनों पॉइंट फ्यूज़ दिख रहे हैं ना, दोनों पॉइंट फ्यूज़ हैं, ठीक है। और ये फिनिक्स कंपनी का है, और फिनिक्स कंपनी का 35 वाट का है, ठीक है। अब लेकिन ये अच्छा क्वालिटी का था, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का था। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा नया डाल रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था इसमें कितनी रोशनी थी, ठीक है, और ये पड़ा हुआ था, और ये 35-35 का ये भी है, 12 बोल्ट 35-35 वाट का, ठीक है, OHO मतलब कोई लोकल कंपनी का है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पॉइंट फ्यूज है, एक पॉइंट सही है, क्योंकि अगर हमारा ख़राब होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, ठीक है, इसलिए हमने ये मतलब एक पॉइंट का ख़राब वाला हमने चेक किया कि हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। अभी हम आप इसको डाल के दिखाते हैं नया, अभी नया डाल के दिखाते हैं कैसी रोशनी है, और ये अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन इसमें मतलब जो दिक्कत थी वो किसी ने सॉल्व नहीं की, और नया डाल के हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो यूज़ एंड थ्रो, इसको तो फेंकना ही पड़ेगा, लेकिन सेफ्टी से फेंकना पड़ेगा, अभी हम नया डाल रहे हैं आपको। नेक्स्ट का ये भी है HS1U 12 बोल्ट 35-35 वाट का है, 37, ठीक है, 43 का होगा, अल्ट्रा वायलेट जो होती है ना, उसे सेव रहता है, कोई नुकसान नहीं है, आप अल्ट्रा वायलेट जो है वाटर साइज ले रहा है, इसकी जानकारी नहीं है, अल्ट्रा वायलेट जो है नुकसान करते हैं, ठीक है। Gracias.
कैसा लगा मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, ठीक है। और एक चीज़ और, कृपया करके गलत कमेंट्स ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो देख लीजिए, कमेंट ना मत करिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, ठीक है। जो हमें अच्छा लगता है वो हम आपको बोलते हैं, ठीक है। और जो भी है कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाए, और हम नहीं चाहते किसी को मतलब गलत फहमी में रखें कि हाँ भाई झूठ बोल के बना रहा है, ऐसा नहीं है जो हमने देखा, ठीक है। और सबसे पहले यही मतलब ऊपर का ही देख लेते हैं कि भाई आए बोले कि इसका रेक्टिफायर है, आर आई डी है, चार्जर्स को बोलते हैं, आप बोलते ही अलग, ठीक है। जो आर आई डी है ये थोड़ा ख़राब भाई बोले ख़राब हो रहा है और गलत यूज़ कर देता है, तो हमने देखा सबसे पहले आर आई डी दूसरा लगाया, ये भी लगा कंडेंसर लगाया, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि इसकी सप्लाई जो है रुक नहीं रही है, मतलब इधर उधर हो रही है, तो जब यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे अगर सप्लाई रुक जाएगी तो बल्ब की रोशनी तेज़ हो जाएगी। तो यही जानकारी थी, बताना चाहा, और अच्छा लगे कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।